हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम लोग अटेंशन की बात कर रहे थे और आज अटेंशन में हम सेलेक्टिव अटेंशन की थ्योरीज पढ़ेंगे। सेलेक्टिव अटेंशन, जैसे मैंने बताया था कि जब हम एक पर्टिकुलर चीज पे ही अटेंशन अपनी फोकस कर पाते हैं और आसपास की चीज के ऊपर हमारी अटेंशन इतनी ज्यादा नहीं होती तो वो हमारे माइंड में रजिस्टर नहीं होता है, हमें याद नहीं रहता। तो सेलेक्टिव अटेंशन के क्या रीजन है, इसके ऊपर कुछ थ्योरीज है अलग अलग लोगों ने दी है। पहली है फिल्टर थ्योरी, जो ब्रॉड बेंट ने 1956 में दी थी। फिल्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में कोई एक फिल्टर होता है जिसका नाम इन्होंने सेलेक्टिव फिल्टर दिया है, जो पर्टिकुलर कुछ ही चीजों को अंदर हायर लेवल तक जाने देता है। हायर लेवल मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो हमें याद रहता है। तो इसमें क्या है, मेनी स्टिमुलाई एंटर आवर रिसेप्टर्स, बहुत सारी चीजें हमारे रिसेप्टर्स में, बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं जो हमारे रिसेप्टर्स, मतलब क्या है, सेंसेस है, हमने पढ़ा है पहले, सेंसेस हो गई। तो सेंसेस को हमारे बहुत सारे स्टिमुलाई नजर आते हैं और बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं जो हमारे सेंसेस के पास पहुंचते हैं जिनमें रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन वो एक साथ आते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, एक जगह पे जाके बॉटल नेक हो जाता है। बॉटल नेक मतलब वो एक साथ एक जगह पे जाके इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे ट्रैफिक जाम में होता है, जब बहुत ज्यादा टाइट रोड होती है और वहां पे ढेर सारी गाड़ियां आ जाए एक साथ, तो फिर धीरे धीरे एक एक करके निकलते हैं, सारे एक साथ नहीं निकल पाते। तो फिर वही चीज होती है, जब बॉटल नेक हो जाता है तो फिर एक एक स्टिमुलाई ही अंदर जाता है, जहाँ सारे स्टिमुलाई हमारे माइंड में नहीं जाते अंदर, तो इसलिए सेलेक्टिव अटेंशन हो जाती है। अब जैसे स्टिमुलाई है बहुत सारे, अब स्टिमुलाई का मतलब आप समझ रहे हो, आपको कुछ चीजें विजुअली दिख रही है, कुछ चीजें सुनाई दे रही है, कुछ चीजें आप फील कर रहे हो, टच करके फील कर रहे हो, अपने सेंसेस को यूज करके, तो वो सारे आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है। थोड़े एक सेकंड तक तो आपको सब चीजें याद है, लेकिन बिकॉज आगे फिल्टर लगा हुआ है और बॉटल नेक क्रिएट हो रहा है, सारे एक साथ जा रहे हैं, फिल्टर में इतनी जगह नहीं है कि सारे स्टिमुलाई है वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के पास पहुंचा दे, तो उसमें से कुछ एक अलाउ कर देता है फिल्टर, जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी तक चला जाता है और आपको वो चीज याद रह जाती है। जैसे एग्जांपल ले लो, आप कहीं बाहर घूमने गए हो किसी जगह पे, आप वहां पे बहुत नई नई चीजें देख रहे हो, बहुत सारी चीजें, बिल्डिंग नहीं देख रहे हो वहां पे, अलग अलग चीजें जो मॉन्यूमेंट्स है वो नहीं देख रहे हो, ठीक है। अब इतना सारा स्टिमुलाई है आपकी आंखों को, कानों को, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ ही एक आध चीजें होती है जो याद रहती है, तो आपका सारा स्टिमुलाई फिल्टर आउट हो जाता है, सारा अंदर नहीं जा पाता है लॉन्ग टर्म में, हायर लेवल तक सिर्फ एक दो स्टिमुलाई होते हैं जो पहुंच पाते हैं। तो इस तरह का बॉटल नेक क्या होता है, इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जाती है कि ये आपकी जाने की जगह, ये वो पैसेज है जिसमें से स्टिमुलाई आपके हायर लेवल तक जा रहा है, और बहुत सारे स्टिमुलाई आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, बहुत सारे स्टिमुलाई है, लेकिन ये सारे एक साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बॉटल नेक क्रिएट हो गया क्योंकि जगह तंग है जाने की, और वहां से फिर क्या हुआ, एक एक करके निकलना पड़ रहा है, तो पहले एक आया स्टिमुलाई, फिर दूसरा आया, तो इसलिए हम इसको सेलेक्टिव अटेंशन बोल रहे हैं कि हम हर चीज नहीं अपने अटेंशन में ला पा रहे। और यही सेम मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करा ट्रेसमैन ने, जो इन्होंने दिया है, इसमें लिखा है फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी, ट्रेसमैन 1962। अटेन्युएशन का मतलब कम कर देना, तो ये इनकी थ्योरी क्या कह रही है कि जो स्टिमुलस है ना, जो नहीं जा पाते अंदर एक टाइम पे, वो ऐसा नहीं है कि टोटली ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे था कि वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो कह रहे हैं वो ब्लॉक नहीं हो जाते, वो वीक हो जाते हैं थोड़े से, और उसमें से कुछ फिर भी ऐसा होता है कि जो बाद में आपके हायर लेवल तक पहुंच जाए, तो जो स्टिमुलस रह जाते हैं दोज आर नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक बट गेट्स वीक, वो वीक हो जाते हैं। जैसे आपको सारी चीजें तो याद नहीं रहती, लेकिन आपको हल्का हल्का ध्यान तो रहता है ना कि अच्छा वहां पे हमने एक रिवर भी देखी थी शायद, और वहां पे शायद बहुत बड़ा दरवाजा था उस कलर का था, मतलब आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं गया है, लेकिन आपको हल्का हल्का फिर भी याद रहता है, तो वो स्टिमुलस वीक हो जाते हैं लेकिन वो आपके हायर लेवल तक फिर भी चले जाते हैं, ये यहाँ पे ये कह रहा है। और खास करके वो वाले स्टिमुलस जो आपसे पर्सनली रिलेटेड है, जैसे आपका नाम कहीं पे आपने पढ़ा, आपने कहीं पे अपना नाम लिखा हुआ देखा था, तो वो आप कभी नहीं भूलोगे कि ऐसा कुछ था वहां पे, मेरा नाम लिखा हुआ था, मतलब इस टाइप का जो आपको पर्सनली लगे कि आपसे ज्यादा रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी फिल्टर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, ब्लॉक नहीं कर रहा है, मेमोरी को थोड़ा वीक, आपकी अटेंशन को थोड़ा वीक कर देता है स्टिमुलाई को, यहाँ पे फिल्टर है पर वो कह रहा है कि वो ब्लॉक कर देता है, टोटली आपको याद नहीं रहता।
उसके बाद मल्टी मोड थ्योरी में क्या है, कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। पहले एक स्टेज का स्टिमुलाई हम अटेंड करते हैं, फिर दूसरे स्टेज का, फिर तीसरे स्टेज का। तो इसमें स्टेज वन क्या है, सेंसरी रिप्रेजेंटेशन। सेंसरी मतलब जो हमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, जो हमारी सेंसेस है उस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम अटेंड करते हैं, जिसकी हम अटेंशन देते हैं, और उसमें हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। स्टेज टू में हम क्या, सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सिमेंटिक मतलब उसका नाम क्या है, उसके फीचर्स कैसे हैं। तो पहले हम अपने सेंसेस पे ज्यादा वो करते हैं, अटेंशन देते हैं कि हमें क्या चीज नजर आई, क्या चीज सुनाई पड़ी, फिर हम उसके उसकी डिटेल में जाते हैं। सिमेंटिक मतलब और ज्यादा डिटेल हो गई उसकी, वो हमारे सेकेंड स्टेज होती है जिसमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है हमें अटेंशन देने में। और थर्ड स्टेज हो गई जब दोनों की कॉम्बिनेशन हमें पता चलती है, फाइनली हम उसको पूरे तरीके से अटेंशन दे पाते हैं। तो हमें जैसे पहले कोई चीज सुनाई पड़ा, फिर हमें धीरे धीरे उसकी डिटेल पे ध्यान दिया कि वो बोल क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या है बोलने का, तब दोनों चीजें मिला के थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन तब हम उस पर ज्यादा अटेंशन देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कम अटेंशन है क्योंकि एफर्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लग रहा है, और लास्ट स्टेज में दोनों मिलके हमें ज्यादा एफर्ट लगाते हैं तो हमें आप ज्यादा अटेंशन देते हैं। तो ये तीनों बात कर रहे हैं कि हम जो है सिलेक्टिव अटेंशन कब देते हैं और किस चीज पे देते हैं। उसके बाद सस्टेन्ड अटेंशन है। सस्टेन्ड अटेंशन मैंने कल बताया था आपको क्या होती है। सस्टेन्ड मतलब जब आप एक ही चीज पे लगातार आपको फोकस करना पड़ता है बार बार, मतलब आप और सारे स्टिमुलाइज पे एक के बाद एक पे नहीं जा सकते, आपको एक ही स्टिमुलाई पे बार बार फोकस करना है क्योंकि आपको जरूरत है उसकी या फिर आपका काम वही है इस तरह से। तो ट्रैफिक पुलिस वाले का मैंने एग्जांपल दिया था कि वो सिग्नल पे ज्यादा करता है फोकस उसका काम, क्योंकि वही है कि जब तक वो वहां ड्यूटी कर रहा है उसको सिग्नल पे फोकस रखना है, ट्रैफिक सिग्नल पे। तो इसमें क्या रीजन है, फैक्टर्स क्या है जो हमारी सस्टेन्ड अटेंशन को वो करते हैं इन्फ्लुएंस। पहला है सेंसरी मोडालिटी। सेंसरी मोडालिटी मतलब कौन से सेंसेस के थ्रू वो स्टिमुलाई आपको मिल रहा है। तो ऑडिटरी वर्सेस विजुअल, एक स्टिमुलाई होता है जो सुनाई पड़ रहा है, एक होता है दिखाई पड़ रहा है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा हमारी अटेंशन लेता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी जो हमारी परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर तब होती है जब हमें एक स्टिमुलाई ऑडिटरी मिले, मतलब सुन के मिले इंस्टेड ऑफ देख के मिलने से। तो सुनी हुई इंस्ट्रक्शंस पे हम ज्यादा बेटर कर पाते हैं इंस्टेड ऑफ देखी हुई इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई मतलब वो कितनी ज्यादा इंटेंस है, कितना ज्यादा अमाउंट है उस स्टिमुलाई का, कितना ज्यादा है, ठीक है, और कितने देर तक रहेगा। मतलब जो स्टिमुलाई बहुत थोड़ा सा था और एकदम गायब हो गया आते ही, वो हमें नहीं इतना ज्यादा ध्यान रहता, उस पर हम नहीं कर पाते अपनी अटेंशन फोकस। लेकिन अगर कोई बहुत बड़े अमाउंट में स्टिमुलाई हमें दिखे और वो तो काफी देर तक वहां पे रहे, तो हम उस पर फोकस अटेंशन ज्यादा कर पाते हैं, ठीक है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल इसमें ये समझ सकते हो कि आपको किसी ने बोला है कि ब्लू ग्रीन और रेड कलर की लाइट तीनों जल रही है, उसमें से जब एक बार रेड जलेगी, एक बार ब्लू, एक बार ग्रीन, तो आपने ये ध्यान देना है कि रेड कितनी बार जली। सपोज वो लाइट बहुत कम टाइम तक जलती बंद हो जाती है, कम टाइम तक जलती है बंद हो जाती है, तो आपको उसका ध्यान रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वही अगर लाइट जो है बहुत ज्यादा ब्राइट हो और काफी देर तक जले फिर बंद हो, फिर बहुत देर तक जले फिर बंद हो, तो क्या होगा, आपका जो स्टिमुलाई वो इंटेंस भी है और लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है इसका और भी कुछ एग्जांपल हो इजीली जिससे आपको समझ आ जाए, अगर आपको कुछ ऐसा एग्जांपल याद आता तो आप मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद है टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। इसमें ये कह रहा है कि जो रेगुलर इंटरवल के बाद आते हैं ना वो स्टिमुलाई, उसको हम बड़ी जल्दी अटेंशन दे देते हैं। जैसे आप स्कूल में बैठे हो, आपको पता है कि हर 40 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जो भी है वो बेल बजेगी और पीरियड खत्म होगा, फिर उसके बाद बेल बजेगी पीरियड खत्म होगा, तो आपका अटेंशन उसमें इजीली चला जाता है क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है अब टाइम हो गया, बेल बजेगी, अब पीरियड खत्म होने वाला है। तो जो रेगुलर इंटरवल पे आते हैं स्टिमुलाई वो हम बड़ी जल्दी, हमारी अटेंशन उस पर चली जाती है, और अगर इररेगुलर हो तो हम बीच में उसको मिस कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है स्पेशल अनसर्टेनिटी। स्पेशल मतलब स्पेस से रिलेटेड है। तो कह रहे हैं कि जो एक फिक्स जगह पे स्टिमुलाई आते हैं वो हम, हमें पता होता है कि वहीं पे मिलेंगे, तो हम उसको अटेंशन इजीली दे लेते हैं, जो कि रैंडमली आते हैं उसको थोड़ा मुश्किल होता है देना। तो सपोज कि आपकी बस है जो एक फिक्स बस स्टॉप पे रोज आती है,
तो जब आप वहां की वेट कर रहे होते हैं तो जैसे ही वो बस दूर से आ रही होती है आप उसको देख के एकदम अलर्ट हो जाते हो, आपको पता चल जाता है आपकी बस आ रही है। लेकिन वही अगर आपको कोई बोले कि ये बस ये चार पांच स्टेशन में से कहीं पे भी आ सकती है तो आपको सब चारों पांचों जगह ध्यान रखना, तो आपको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पे ध्यान देना। तो ऐसे ही अगर एक ही जगह पे कोई चीज आपको पता है मिलेगी तो आप उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना क्योंकि वो वहां आएगी, तो आप जल्दी ध्यान दे देते हो। और आपको बोले कि कहीं पे भी आ सकता है, किसी भी जगह से आ सकता है, कोई भी दरवाजे से बाहर आ सकता है, तो आपको बड़ा मुश्किल होता है ध्यान देना कि कहाँ से, आपकी अटेंशन इतनी जल्दी नहीं जाती उस पर। तो ये कह रहा है सस्टेन करने के लिए अटेंशन, ये वाली चारों चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डिसऑर्डर है जो हम ऑलरेडी आई थिंक आपके 12th वाले वीडियो में ये डिस्कस हो चुका है। मतलब अगर आपने इसकी ज्यादा डिटेल देखनी है तो आप मेरी 12th वाली वीडियो देखो डिसऑर्डर वाली। थोड़ा बहुत अगर आपको भी आइडिया है कि ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, कि जब किसी को प्रॉब्लम होती है किसी चीज का फोकस करने में, ये बचपन में होता है, ये बड़ों का नहीं है, ये चाइल्डहुड प्रॉब्लम है। और इसमें क्या है, अटेंशन एक जगह पर नहीं लगा पाते बच्चे, क्योंकि एक तो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, बड़े इम्पल्सिव होते हैं, बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, और एक जगह ध्यान लगाना फोकस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और बहुत वायलेंट भी हो जाते हैं कई बार। तो इसको शॉर्ट में ADHD बोलते हैं। इसको ठीक करने के लिए ड्रग है, मेडिसिन है, जिसको रिटालिन बोला जाता है, RETALIN। ये हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करता है ताकि आप फोकस कर पाओ, अटेंशन दे पाओ। जैसे पढ़ाई में अटेंशन देने के लिए क्या है, जगह बैठ के पढ़ना जरूरी है, पर ये बच्चे इतना हाइपर एक्टिव होते हैं कि एक जगह नहीं बैठ पाते हैं लगातार, तो ये इनको ड्रग दिया जाता है रिटालिन, जिससे इनकी हाइपर एक्टिविटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है और थोड़े से शांत हो जाते हैं और अटेंशन बढ़ जाती है जो वो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर। पर इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है कि कई बार वेट और ग्रोथ में बहुत ज्यादा, मतलब रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, मतलब वेट बढ़ना रुक जाता है, ये सब प्रॉब्लम होती है। इसमें कोई इंटेलिजेंस डेफिसिट नहीं होता है, इसे अटेंशन डेफिसिट, इसमें क्या है, अटेंशन की डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब कमी, अटेंशन की कमी है, इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं होती। ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये इंटेलिजेंस उनकी नॉर्मल बच्चों की तरह ही होती है, बस अटेंशन नहीं दे पाते एक चीज पे लगातार, मतलब सस्टेन अटेंशन तो बिल्कुल ही जीरो होती है, उसमें सेलेक्टिव अटेंशन भी बहुत पुअर होती है। उसके बाद इसका कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं मिला है अभी तक कि ये प्रॉब्लम है बायोलॉजिकली किस रीजन की वजह से हो रही है, वो ऐसा कुछ नहीं मिला है। और जैसे कि आपकी बुक में लिखा है कि फूड कलरिंग के रीजन की वजह से होता है, ये रिलेटेड टू समथिंग फूड कलरिंग है, जो कि थोड़ा सा मुझे अभी भी लग रहा है कि इसका क्या वजह है, थोड़ा सा मुझे ये डाउटफुल है, बट स्टिल आपके बुक के अकॉर्डिंग उसमें लिखा है कि फूड कलरिंग जो होती है उसका वो रीजन है इसकी प्रॉब्लम का। अब बिहेवियर थेरेपी से इसको ठीक कर सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी की डिटेल भी आपको मेरी 12th क्लास की वीडियोस में मिल जाएगी, बिहेवियर थेरेपी क्या होती है। उसके अंदर हम लोग सेंसिटाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, रिवॉर्ड्स पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाली टेक्निक यूज करते हैं, वर्बल इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कि आप उसको बोलते हो सिट डाउन क्वाइटली, पढ़ाई करो बैठ के, चुपचाप बैठो, ऐसे वर्बल इंस्ट्रक्शन देना बार बार, जैसे ही वो उठे उसको बताना कि बैठ के पढ़ो, और रिवॉर्ड देना जब कुछ अच्छा करे तो उसको कुछ रिवॉर्ड दे देना, सेंसिटाइज कराना मतलब उसको चीजों के बारे में समझाना, सेंसिटाइज कराना। तो ये थेरेपी इसको ठीक करने में हेल्पफुल है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है खत्म अटेंशन, और अब इसके आगे हमारा परसेप्शन शुरू होगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।